दिल्ली एनसीआर में और आसपास के इलाकों में सीएनजी की कीमतें गुरुवार को बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ में सीएनजी के रेट में 1 रुपए का उछाल आया है, तो ऐसे में बताया जा रहा है कि दिल्ली वालों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। हालांकि रेवाड़ी में कीमत 1 रुपए कम हो गई है। दिल्ली में सीएनजी की नई कीमत 75.59 रुपए प्रति किलोग्राम है, नोएडा में 81.20 रुपए, ग्रेटर नोएडा में 80.20 और गाजियाबाद और हापुड़ में 80.20 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। रेवाड़ी में पहले रेट 82.20 रुपए प्रति किलोग्राम था, जो कि अब 81.20 रुपए हो गया है। अन्य इलाकों में कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आईजीएल की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर ये जानकारी दी गई है और ये 23 नवम्बर की सुबह 6 बजे से लागू हो चुकी है। आपको बता दें कि महंगी सीएनजी से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई में सीएनजी की कीमत तय करने के मानकों में बदलाव किया था। इसके बाद दिल्ली समेत कई राज्यों में सीएनजी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। आमतौर पर सीएनजी का इस्तेमाल गाड़ियों के फ्यूल और बिजली उत्पादन में किया जाता है। इससे पहले आईजीएल ने अगस्त में दाम बढ़ाए थे। 1 साल में दूसरी बार कीमतों में इजाफा किया गया था। 23 अगस्त को भी दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत 1 रुपए बढ़ी थी। अक्टूबर में सरकार ने घरेलू नेचुरल गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया था। इसके बाद से ही लोगों पर महंगाई का बोझ आने की आशंका जाहिर की जाने लगी थी और अब वो बोझ आ गया है। ऐसे में जो आम लोग हैं, जो ऑटो से जाते हैं, ऑटो रिजर्व करके जाते हैं या शेयरिंग ऑटो से जाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत आफत हो जाती है, क्योंकि इससे जो ऑटो ड्राइवर्स हैं वो भी किराया बढ़ा देते हैं। अब दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम लोगों और उर्वरक, पावर सेक्टर, स्टील, पेट्रोकेमिकल जैसे कई सेक्टर्स की लागत कास्ट पर पड़ेगा। महंगाई से परेशान जनता भी इसकी मार झेलेगी। सीएनजी के बाद अब पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है।